भारतीय टीम ने मोटेरा के नव निर्मित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में धमाल करते हुए इंग्लैंड को दूसरे ही दिन हरा दिया। दूसरी पारी के आधार पर मिले 49 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने बिना कोई विकेट गवाए जीत हासिल की। रोहित शर्मा ने विजयी सिक्स लगाया। इस तरह से भारत ने टेस्ट सीरीज में 2-1 की बढ़त ले ली है। सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट इसी मैदान पर 8 मार्च को खेला जाएगा। रोहित शर्मा ने 25 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 25 रन बनाए, जबकि शुभम गिल ने 21 गेंदों में 1 चौका और 1 छक्के की मदद से नाबाद 11 रन की पारी खेली। इससे पहले अक्षर पटेल और ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की शानदार गेंदबाजी से भारत ने इंग्लैंड की दूसरी पारी 81 रन पर ऑल आउट कर दी। भारत को जीत के लिए 49 रनों का लक्ष्य मिला। भारत ने पहली पारी में 145 रन बनाए थे और उसे 33 रनों की बढ़त हासिल हुई थी। इंग्लैंड की पारी में बेन स्टोक्स ने 34 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से सर्वाधिक 25 रन बनाए। भारत की ओर से अक्षर और अश्विन के अलावा वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया। अश्विन इसके साथ ही टेस्ट में 400 विकेट लेने वाले भारत के चौथे गेंदबाज बन गए हैं। शुरुआती झटकों से लड़खड़ाई इंग्लैंड को तीसरा झटका भी अक्षर ने डोमिनिक सिबले को विकेट के पीछे से ऋषभ पंत के हाथों कैच करा कर दिया। सिबले ने 25 गेंदों पर 7 रन बनाए। इंग्लैंड को कप्तान जो रूट ने बेन स्टोक के साथ संभालने की कोशिश की, लेकिन अश्विन ने स्टोक को LBW आउट कर इंग्लैंड को संभालने का मौका ही नहीं दिया। स्टोक्स के आउट होने के कुछ देर बाद ही अक्षर ने रूट को LBW आउट कर पवेलियन भेज दिया और इंग्लैंड को 5वां झटका दिया। रूट ने 45 गेंद खेलकर 19 रन बनाए। अश्विन ने ओली पोप को बोल्ड कर आउट किया। पोप ने 15 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 12 रन बनाए। इंग्लैंड को 7वां झटका अश्विन ने जोफ्रा आर्चर को LBW आउट कर दिया। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज बेन फॉक्स अक्षर की गेंद पर LBW करार दिए गए और 8वें बल्लेबाज के रूप में पवेलियन लौट गए। फॉक्स ने 28 गेंदों पर 8 रन बनाए। निचले क्रम के बल्लेबाज जैक लीच को अश्विन ने अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच कराकर आउट किया। लीच ने 22 गेंदों पर 9 रन में 1 छक्का जड़ा। टीम के दूसरे स्पिनर गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर ने अपने पहले ओवर की चौथी गेंद पर जेम्स एंडरसन को विकेट के पीछे पंत के हाथों कैच कराकर इंग्लैंड की दूसरी पारी खत्म कर दी। एंडरसन खाता खोले बिना आउट हुए, जबकि स्टुअर्ट ब्रॉड 1 रन बनाकर नाबाद रहे। आपको बता दें कि 145 रन पर भारत की पहली पारी सिमट गई। इससे पहले कप्तान जो रूट और जैक लीच की शानदार गेंदबाजी से इंग्लैंड ने भारत की पहली पारी 145 रन पर सिमेट दी। भारत ने इसके साथ ही 33 रनों की मामूली बढ़त हासिल की। इंग्लैंड ने पहली पारी में 112 रन बनाए थे। देखा जाए तो भारत ने दूसरे दिन 47 रन बनाने में 7 विकेट गंवाए, जिसमें से 5 विकेट अकेले जो रूट के नाम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।